मथुरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। इस सफलता में पुलिस ने कई वर्षों से फरार चल रहे 25,000 के नामी बदमाश को अवैध असला सहित गिरफ्तार किया। मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बबलू कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे अपराधियों के धरपकड़ अभियान के तहत थाना बरसाना पुलिस को उस समय बड़ी कामयाबी हासिल हो गई जब मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि कई वर्षों से फरार चल रहे 25,000 का नामी बदमाश शहीद उर्फ बंडू गांव में आया हुआ है, जिसको लेकर पुलिस ने टीम गठित कर फरार चल रहे अभियुक्त को थाना अचार क्षेत्र के जरेला चौराहे के पास से बल प्रयोग कर गिरफ्तार कर लिया। जी पुलिस किस लिए पकड़ लाई है? मुकदमा 3-7 3-7 मुकदमा। जी कब का मुकदमा था? 2015 का सर। तो क्या अब तक फरार चल रहे थे? जी इनाम इनाम भी था क्या तुम्हारे पास? हाँ जी। कितने का इनाम था? 25,000 है। 25,000 का? 25,000 का। कहाँ से पकड़ा पुलिस ने? घर से। घर से। क्या मुकदमे लगे हुए थे पहले के? 3-7 हो, आपसे झगड़ो। और कितने मुकदमे थे इसके अलावा? और नहीं सर, एक ही मुकदमा था। जी कितने लोग थे उसमें? उसमें और 10-12 जना। और 10-12 जना जमानत करा ली पहले ही। कहाँ का मामला है? गांव हाथिया का। हाथिया का। और नहीं लोग पकड़ गए? नहीं पकड़ गए। पकड़ गए सब सर। कितने समय पहले का मामला है? 2015 का सर। 2015 का। जी अच्छा, क्या नाम बताया आपने अपना? शहीद। शहीद थाना बरसाना। ये जनपद मथुरा में थाना बरसाना के अंतर्गत 2015 में टटलूबाजी की घटना हुई थी। उसमें कई लोगों के नाम प्रकाश में आए थे, जिसमें से एक ये भी हैं। और उसमें से जब 4 लोगों की गिरफ्तारी पुलिस मुठभेड़ में हुई तो इस सईद नामक व्यक्ति जो हाथियां का रहने वाला है उस समय फरार हो गया था, जिस पर 2015 का 307 एवं अन्य धाराओं में अभियोग पंजीकृत है। इसका आपराधिक इतिहास भी है और बेसिकली ये टटलूबाजी करता है। तो इसमें गिरफ्तारी में पुलिस को सफलता बरसाना पुलिस को मिली है। इस पर 25,000 का इनाम घोषित है पूर्व से ही। तो इसमें हमारी बरसाना पुलिस की टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। इस पर अन्य विधिक कार्रवाई जो भी बनेगी वो हम करेंगे और इसको प्रयास करेंगे कि ये कानून के दायरे में अधिक से अधिक समय जेल में रहे। करीब कितने लोग थे सर ये इस मामले में? इसमें 4।